यूपी चुनाव के लिए कल बीजेपी भी बड़ा दांव चलने वाली है। नजर मिशन पूर्वांचल पर है और प्रधानमंत्री मोदी इस इलाके को एयरपोर्ट का तोहफा देने जा रहे हैं। पीएम कल सुबह कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। एयरपोर्ट की उड़ान से क्या बीजेपी पूर्वांचल में सत्ता की उड़ान भर पाएगी, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। यूपी में कल बौद्ध नगरी कुशीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही आगाज दिखेगा। पीएम मोदी कल यूपी को एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये कुशीनगर का वही अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है जिसका पीएम मोदी कल उद्घाटन करेंगे। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ा लंबा चौड़ा रनवे है जिसमें एक साथ चार फ्लाइट टेक ऑफ और लैंड कर सकती है। कुशीनगर विश्व प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ भगवान गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। गोरखपुर से यह करीब 55 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आपको पीएम मोदी के कार्यक्रम के बारे में बताते हैं। पीएम मोदी सुबह करीब 10 बजे कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के बाद जो पहला प्लेन उतरेगा वो श्रीलंका के कोलंबो से आएगा। इस प्लेन में राजनयिक और बौद्ध साधु शामिल होंगे। सुबह 11:30 बजे महापरिनिर्वाण मंदिर के कार्यक्रम में पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। भगवान बुद्ध की लेटी हुई मूर्ति की अर्चना पीएम मोदी करेंगे। दोपहर करीब 1:15 बजे कई परियोजनाओं की शुरुआत और शिलान्यास किया जाएगा। कुशीनगर का अपना ऐतिहासिक महत्व रहा है। तथागत भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली के कारण पूरा देश और पूरी दुनिया अत्यंत श्रद्धा भाव के साथ इस स्थान को देखता है। कल प्रधानमंत्री जी का यहाँ आगमन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट देश को समर्पित करने के साथ ही श्रीलंका से आने वाले एक उच्च स्तरीय डेलीगेशन का भी स्वागत करने का एक अवसर राज्य सरकार को और कुशीनगर वासियों को प्राप्त होगा। कुशीनगर एयरपोर्ट में करीब 260 करोड़ की लागत आई है। कुशीनगर एयरपोर्ट को मिलाकर यूपी में 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाएंगे। वाराणसी और लखनऊ में पहले से एयरपोर्ट पर विदेश के लिए उड़ानें भरी जा रही हैं। कुशीनगर में हर साल करीब 80,000 विदेशी सैलानी आते हैं, उनको इस एयरपोर्ट से बड़ा फायदा होगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुशीनगर के आसपास के 10 से 15 ऐसे जिले हैं जिन जिलों की 2 करोड़ की आबादी को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुविधा मिल सकेगी। यूपी में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले पीएम मोदी का यूपी की जनता को ये एक बड़ा तोहफा है। उत्तर प्रदेश में ओवैसी की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके ओम प्रकाश राजभर का एक बड़ा बयान सामने आया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उन्हें सभी पार्टियों से गठबंधन के लिए फोन आ रहे हैं। देखिए, अभी किसी से बात नहीं हो पाई और चूंकि मैसेज सबको भेज दिया है तो सभी लोग आतुर हैं समझौता करने के लिए। अब ऐसा लग रहा है कि लोग परेशान हैं, अब हम नहीं परेशान हैं, लोग परेशान हैं। जिम्मेदारी तो बहुत लोगों को दी गई है, समाजवादी पार्टी में भी जिम्मेदारी दी गई है, बसपा में भी जिम्मेदारी दी गई है। लोग फ़ोन कर रहे हैं और लेकिन अभी किसी से कोई बात नहीं, ना किसी का फ़ोन अटेंड कर रहे हैं। ABP News आपको रखे आगे।